हाय गाइज, मैं हूँ विवेक कुमार पांडे और हम लोग देख रहे हैं पीएचपी माई स्कूल पे एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं न्यूज पोर्टल का। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसमें लॉगिन के ऊपर बात किया था, लॉगिन हम लोगों ने कराया था। अब इस वीडियो में हम लोग उसको लॉग आउट करेंगे और उसके साथ यहाँ पे हम लोग एक्टिव बटन भी सॉरी एक्टिव लिंक को जनरेट करेंगे कि जैसे कि इस पर क्लिक करें तो ये वाला बटन है डैशबोर्ड का, ये एक्टिव हो या फिर ऑर्डर पे हम लोग क्लिक करें तो ये बटन एक्टिव स्टेटस शो हो। ठीक है, तो अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें काम है कि लॉग आउट जनरेट करना है। ये जो यहाँ पे साइन आउट आ रहा है, यहाँ पे हम लोग को लॉग आउट जनरेट करना है। तो जाएंगे अपने इंक्लूड में और यहाँ पे हम लोग का हैडर डॉट पी एच पी, यहाँ पे जाने के बाद सबसे नीचे ऊपर जाते हैं हम लोग यहाँ पे साइन आउट पे। तो यहाँ पे देखे तो लॉग आउट डॉट पी एच पी बना हुआ है। यहाँ पे आपको हरफ में लॉग आउट डॉट पी एच पी करना है और यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर और इसको सेव करेंगे। ठीक है, इसको सेव हम लोग करना है लॉग आउट डॉट पी एच पी। अभी सेव कर लिया हमने और इसके अंदर अब हम लोग को सबसे पहले दूसरा काम ये है कि हम लोग सेशन को ऐड करना है। तो उसके लिए हम लोग को जाना होगा अपने एडमिन लॉगिन में और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो हम लोग जब सेशन को यूज करने वाले तो सेशन को हम लोग को स्टार्ट करना होता है और HTML के ऊपर हम लोग को स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे PHP का ब्लॉग ओपन करेंगे और इसके अंदर PHP और नीचे हम लोग को सेशन को स्टार्ट करना है। तो सेशन स्टार्ट, सेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब सेशन जब हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया तो इसके अंदर कुछ वैल्यू हम लोग को पास करना होगा। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग पास कर सकते हैं सिंपली, अगर हम लोग लॉगिन में आए जहाँ पे हम लोग लॉगिन कर रहे हैं इसके नीचे अगर आए तो जहाँ पे हम लोग लॉगिन चेक कर रहे हैं क्यूरी के द्वारा, तो यहाँ पे हम लोग सेशन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर सेशन कैपिटल में लिखना होगा क्योंकि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। और इसके अंदर हम लोग ईमेल ले लेते हैं नेम इसका, और ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा हम लोग को ईमेल से जो कि फॉर्म से आ रहा है। ये डेटा ईमेल जो कि फॉर्म से आ रहा है यहाँ से ईमेल यहाँ पे हम लोग गेट कर रहे हैं और इसको यहाँ पे हम लोग इसके अंदर का जो भी वैल्यू है उसको हम लोग सेशन में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल दे दिए। जब यहाँ पे ईमेल आ गया, अब सेशन के अंदर ईमेल आ गया तो आसानी से जब सेशन सेट हो गया है तब इसको हम लोग अनसेट कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अपने लॉगआउट पेज में चलेंगे और यहाँ पे हम लोग को पीएचपी का ब्लॉक ओपन करेंगे। सिंपली पीएचपी का ब्लॉक ओपन करने के बाद यहाँ पे जब हम लोग सेशन को इस पेज में स्टार्ट कर रहे हैं, जब भी हम लोग कोई और पेज में सेशन को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग को क्या जरूरी होता है कि सबसे पहले हम लोग सेशन को स्टार्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट, सेशन जब स्टार्ट हो गया तब हम लोग क्या करेंगे सेशन को अनसेट कर देंगे। ठीक है, अनसेट और डिस्ट्रॉय दोनों अलग अलग काम करता है। बेसिकली अगर बात करें तो सेशन अनसेट जो होता है वो वेरिएबल के अंदर जो भी वेरिएबल में डेटा सेव होता है जो भी वैल्यू सेव होता है उसको अनसेट करता है, उसको केवल रिमूव करता है। लेकिन जब हम लोग सेशन डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, जहाँ पे सेशन हम लोग का सर्वर पे सेट है वहां से ये सेशन को फाइल को ही डिलीट कर देता है, मतलब कि वहां से फाइल को ही डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले सेशन अनसेट करने वाले क्योंकि आगे से हम लोग को क्रिएट नहीं करने का जरूरत पड़ेगा, केवल उसका वैल्यू को अनसेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेशन अनसेट कर देंगे। जब सेशन अनसेट हो जाएगा तो अनसेट होने के बाद हम लोग चाहते हैं कि अनसेट हो और उसके साथ ही एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन जो कि पेज है एडमिन लॉगिन का वहां पे चला जाए। तो उसके लिए हेडर यूज कर सकते हैं हेडर, और इसके अंदर लोकेशन दे देंगे लोकेशन, इसको लोकेशन दे देते हैं हम लोग एडमिन लॉग इन डॉट पी एच पी। ठीक है, तो अब ये होगा कि अगर साइन आउट पे क्लिक करेंगे तो एडमिन लॉग इन पे पहुंच जाएगा। अभी हम लोग इसको सेव करते हैं और यहाँ पे हम लोग साइन आउट पे क्लिक करते हैं। तो साइन आउट पे क्लिक करते के साथ हम लोग लॉग इन पे आ गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब हम लोग लॉग आउट कर चुके हैं तो उस पेज को होम पेज को एक्सेस ना कर पाए विदाउट लॉग इन। जब तक हम लोग लॉग इन नहीं होते हैं तब तक होम पेज पे ना जाए। अगर यहाँ पे आपको दिखा दें तो अगर होम लिख रहे हैं होम डॉट पी एच पी उसके बाद एक्सेस कर रहे हैं तो इजिली हम लोग होम पेज में आ जा रहे हैं, लेकिन ये हम लोग को नहीं चाहिए। जब तक लॉग इन ना हो तब तक होम पेज एक्सेस ना हो पाए। तो उसके लिए हम लोग को करना ये है
सेशन को चेक कराएंगे अपने होम में, ठीक है। तो होम डॉट पी एच पी है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हम लोग को सेशन को स्टार्ट करना होगा, तो सेशन स्टार्ट कर लेंगे यहाँ पे, सेशन स्टार्ट, ठीक है। अब जो दूसरा क्रम है वो हम लोग को चेक करना है सेशन को, कि सेशन है या नहीं है इस पेज में, ठीक है। तो सेशन स्टोर है या नहीं है, तो यहाँ पे इफ कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन चेक करने के साथ यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर सेशन, ठीक है, ईमेल इक्वल टू ट्रू होता है तो ठीक है इस पेज में रहो, नहीं तो इल्स पार्ट में जाओ। और इस पार्ट में क्या होगा, ये हेडर कर देते हैं इसको, और ये जाएगा लोकेशन दे देंगे इसको, लोकेशन कहाँ पे देना है, एडमिन लॉगिन पे जाएगा, ठीक है, एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन डॉट पीएचपी। अब अगर हम लोग पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे रिफ्रेश किए तो यहाँ पे देखे तो एक एरर आ गया है, ये एरर है होम डॉट पीएचपी में 4 लाइन में, तो इसमें एरर क्या है, ईमेल, ईमेल का ये एरर है। तो एक्चुअली हम लोगों ने पेज को सेव नहीं करना, तो यहाँ पे हम लोग पेज को सेव ऑल कर लेते हैं एक बार, और उसके बाद अभी रिफ्रेश करते हैं तो भी एरर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एडमिन लॉगिन में जाते हैं और यहाँ पे सेशन स्टार्ट है, ठीक है, और सेशन के अंदर यहाँ पे ईमेल आ रहा है, ठीक है, और होम में ईमेल इक्वल टू ट्रू सेशन, सेव करते हैं और फिर इसको हम लोग स्टोर करते हैं, तो ये एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है देखते हैं, लॉगिन करते हैं इसको, लॉगिन 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6 लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे देखो तो हम लोग लॉगिन हो चुके हैं सक्सेसफुली। अब अगर हम लोग साइन आउट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से होम पेज को एक्सेस करने का कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे एक्सेस तो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक एरर भी आ रहा है ईमेल के लिए, अनडिफाइंड ईमेल आ रहा है। तो एक्चुअली क्या ये एरर है, सेशन स्टार्ट इफ सेशन इक्वल टू ट्रू, ओके यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इफ डॉलर अंडरस्कोर सेशन और इसके अंदर है ईमेल, ईमेल और ये हो रहा है इक्वल टू ट्रू, ठीक है, तो इस पेज में रहेगा, नहीं तो ये हेडर में जाएगा, ओके। अभी हम लोग इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो भी एरर आ रहा है, सेशन स्टार्ट है, अनडिफाइंड ईमेल, ओके, यहाँ पे तो सेशन स्टार्ट है, ठीक है, सेव किए, यहाँ पे सेशन आ गया वैल्यू, डॉलर अंडरस्कोर सेशन ईमेल आ गया यहाँ पे। अगर इसको हम लोग ठीक तो है, ओके, हम लोग इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पे सिंपली इसको इको करा के चेक करते हैं, इको, अभी सेव करते हैं, सेव करने के बाद अपने पेज पे आते हैं और यहाँ से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो लॉगिन किए और उसके साथ यहाँ पे कुछ पासवर्ड देते हैं और लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ईमेल देना होगा और पासवर्ड देना होगा, तो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे सेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एरर किस चीज़ का आ रहा है उसके लिए हम लोग को देखना होगा। तो रिफ्रेश करते हैं इस पेज को और यहाँ पे ईमेल डालते हैं और यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 लॉगिन करते हैं, तो लॉग इन करने के बाद इसको हम लोग को कमेंट करना होगा। अब सेव करेंगे पेज को और फिर रिफ्रेश करते हैं इसको और यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4 5 6 लॉग इन, लॉग इन हो गया, साइन आउट करते हैं इसको। अब हम लोग होम को एक्सेस करते हैं, होम
तो एक्चुअली जो है यहाँ पे एरर आ रहा है लाइन 4 में, और ये है होम डॉट पीएचपी में। ओके, क्या एरर है? अनडिफाइंड ईमेल, अनडिफाइंड ईमेल सेशन स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करना होगा। सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, इफ चेक करते हैं इसको हम लोग यहाँ से, जो भी है इसको कॉपी करते हैं, कॉपी हम में आके इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद हम लोग इक्वल टू ट्रू, ठीक है, ट्रू होता है तो इसमें रहेगा, नहीं तो इल्स हो जाएगा ये हेडर। और यहाँ पे लोकेशन हम लोग सेट कर देंगे, लोकेशन, और हो जाएगा वो एडमिन स्लैश लॉगिन डॉट पी एच पी। ओके, अभी सेव करते हैं, और पेज को आने के बाद यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको रिफ्रेश। तो यहाँ पे लॉगिन पे आ गया है। अगर हम लोग यहाँ पे अब हमको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो देख सकते हैं कि नहीं हो रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे ईमेल डालते हैं और यहाँ पे पासवर्ड देते हैं। ओके, क्या हो रहा है? लोकल होस्ट, और ये हम लोग का न्यूज का प्रोजेक्ट है, इसमें लॉगिन अब होना है हम लोग को। और यहाँ पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 5 6, लॉगिन पे करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉगिन हो गए हैं। अब साइन आउट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद अगर हम लोग होम को एक्सेस करना चाहते हैं होम डॉट पी एच पी, तो अभी लॉगिन नहीं जा रहा है होम पेज पे। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया काम, सेशन वाला काम। अब हम लोग को जो नेक्स्ट काम है वो है कि यहाँ पे हम लोग को एक्टिव लिंक बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जाएंगे अपने हेडर डॉट पी एच पी में, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे जो कंपनी का नेम यहाँ पे शो हो रहा है, हम चाहते हैं कि जो भी बंदा यहाँ पे लॉगिन हो उसका यहाँ पे ईमेल शो हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी नेम के जगह पे हम लोग लिखेंगे, इसको हटा के इको करा लेंगे अपने सेशन का वैल्यू। तो पीएचपी इको, और जो हम लोग के सेशन का वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेते हैं, डॉलर अंडरस्कोर ईमेल, इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं और हेडर में आके हम लोग पेस्ट कर देंगे इसको, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे। अब अगर हम लोग पेज को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ईमेल यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि अगर डैशबोर्ड पे है तो ये एक्टिव रहे, अगर प्रोडक्ट पे जाए तो वो एक्टिव रहे। ठीक है, तो इसके लिए अब सबसे पहले तो एक हम लोग को इस कस्टमर का नेम को हम लोग को कैटेगरीज में बदल देना होगा, कैटेगरी चाहिए उसको, कस्टमर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग चेंज करके इसको कर देते हैं कैटेगरी। तो यहाँ पे सी कैटेगरीज, ठीक है, अभी सेव करते हैं। और यहाँ पे हम लोग आप देखें तो यहाँ पे एक लिंक जनरेट हुआ, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेब, अगर हम लोग एक्टिव सिंपली यहाँ पे लिखते हैं उसके बाद देखें तो ये बूटस्ट्रैप का एक्चुअली क्लास है। अभी अगर हम लोग सेव करते हो तो यहाँ पे एक्टिव है, लेकिन जब इस पर क्लिक हो तभी एक्टिव रहे। तो उसके लिए हम लोग को पीएचपी का एक कोड फंक्शन चलाएंगे, और उसके साथ ये ठीक है। अब हम लोग को दूसरा काम ये है कि जाएं अपने डैशबोर्ड पे, जो कि हम लोग का ये है डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड, ओके, यहाँ पे हम लोग को नेव लिंक के बगल में पीएचपी का कोड लिखेंगे, और इसके अंदर पीएचपी पीएचपी, ठीक है, इफ एक कंडीशन चेक कराते हैं यहाँ पे, और वो कंडीशन ये है कि एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं पेज, ठीक है, इक्वल टू पेज इक्वल टू अगर होता है यहाँ पे जो हम लोग का होम पेज है वो डैशबोर्ड, मतलब कि होम पेज है, अगर ये होम पेज होता है तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में इको कर दो एक्टिव। ठीक है, अभी हम लोग इसको सेव करते हैं,
और होम पेज पे आके हम लोग इसको वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली पेज इक्वल टू यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग होम, वैल्यू यहाँ पे सेट हो गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डैशबोर्ड पे आए, तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे ये एक्टिव हो गया। अब एक और काम है कि हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस करके, इसको नाम दे देते हैं कैटेगरीज, कैटेगरी डॉट पीएचपी। ओके, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो पीएचपी को कर लेना होगा पीएचपी, और इसके साथ ही हम लोग अगर चाहें तो होम पेज से जो भी है ये सारा कोड ऊपर में सेशन स्टार्ट वगैरह ये भी चाहिए हम लोग को कैटेगरी पीएचपी में, ठीक है। तो ये सारा को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, केवल यहाँ पे हेडर हेडर रहेगा सारा तो रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग को सिंपली चेंज करके कर लेना होगा जो कि हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं। तो यहाँ पे चेंज करके कैटेगरी कैटेगरी, ठीक है। और इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और आते हैं अपने हेडर में, हेडर में आने के बाद इस कोड को यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसी का काम है। इसी को कॉपी करके अपने यहाँ पे जो कि कैटेगरी है यहाँ पे इस क्लास के नैब लिंक के बाद हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हम लोग पेस्ट कर दिए, उसके बाद यहाँ पे होम नहीं बल्कि अब हो जाएगा कैटेगरी, जो कि यहाँ पे कैटेगरी पेज में हम लोग दे रहे हैं, तो अब यहाँ पे हो जाएगा कैटेगरी। अब हम लोग अपने पेज पे चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं इसको। अब कैटेगरी पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं सिंपली, तो यहाँ पे कैटेगरी का एक फाइल बनाना होगा हम लोग को कैटेगरी डॉट पी एच पी। तो अच्छा यहाँ पे कैटेगरी है और यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी कर देते हैं इसको, अब सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद बैक जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे, अब कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो लिंक है वो एक्टिव हो गया। अगर डैशबोर्ड पे जाते हैं तो डैशबोर्ड वाला लिंक है एक्टिव है, और इस पे आते हैं तो ये वाला एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग के एक फॉर्म चाहिए, उसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, बूटस्ट्रैप के फॉर्म में जाएंगे। फॉर्म में आने के बाद सिंपली हम लोग यहाँ से एक फॉर्म को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और हम लोग को एक टेक्स्ट एरिया चाहिए कि एक में कैटेगरी रहे और उसके बाद उसका टेक्स्ट एरिया रहे, तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। उसके पहले यहाँ पे एक डिव टैग लेते हैं और इसको हम लोग दे देते हैं कुछ स्टाइल, सपोज इसको स्टाइल दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं इसको हम 25%, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे मार्जिन टॉप भी कर देते हैं कि थोड़ा ऊपर से ये नीचे आए, मार्जिन टॉप कर देते हैं 10%। ओके, और इसके अंदर हम लोग अपने कोड को पेस्ट कर देना है यहाँ से, सॉरी जो बूटस्ट्रैप से हम लोगों ने कोड कॉपी किया था, जो कि ये सारा कोड है यहाँ पे सिंपली हम लोग को पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे हम लोग को एक दो टैब अंदर कर देंगे, सेव करते हैं पेज को और अपने पेज को आके हम लोग यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग को करना होगा एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग अभी इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग आ चुका है जो कि ईमेल और पासवर्ड आ रहा है, लेकिन ये हम लोग को नहीं चाहिए, इसका विथ है जो कि थोड़ा सा बड़ा चाहिए हम लोग को, तो यहाँ पे विथ को बढ़ा देते हैं, विथ को कर देते हैं हम 50%, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब उसके साथ हम लोग को चाहिए यहाँ पे पासवर्ड नहीं बल्कि हम लोग को चाहिए यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया, तो टेक्स्ट एरिया को यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसको सारा कोड को कॉपी, और अपने ब्राउजर में आके यहाँ पे पासवर्ड के जगह पे, पासवर्ड के जगह पे यहाँ पे सारा जगह पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, जब इसको पेस्ट कर दिए यहाँ पे, ठीक है, अभी इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर दिए।
अब हम लोग को चाहिए कि जो यहाँ पे फॉर्म है इसका एक्शन इसी पेज पे हो, तो इसको हम दे देते हैं कैटेगरी डॉट पीएचपी। ठीक है, बाकी सारा काम यहाँ पे ठीक है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे हम लोग को चाहिए कैटेगरी। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म के नीचे एक टैग लेते हैं H1 का, और यहाँ पे हम दे देते हैं एक हेडिंग एड कैटेगरीज, एड कैटेगरीज, और इसके बाद एक H4 का टैग दे देते हैं। और अब हम लोग पेज को यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश यहाँ पे, तो देखे तो ऐड कैटेगरीज यहाँ पे कैटेगरी डालेंगे, और यहाँ पे हम लोग को जो देना होगा वो देंगे। अगर यहाँ पे हम चेंज करके डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन सेव करेंगे इसको, कैटेगरी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, बाकी सारा कुछ ठीक है इसमें। यहाँ पे बटन नहीं बल्कि यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग इनपुट, टाइप हो जाएगा सबमिट, और ये यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वैल्यू, दे देते हैं ऐड ऐड कैटेगरी। अभी सेव करते हैं इसको और पेज को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। अब जो हम लोग का काम है कि नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग इस फॉर्म का वैलिडेट करें कि बिना, अगर ये एम्प्टी है कैटेगरी या डिस्क्रिप्शन, तो एम्प्टी है तो ये सबमिट ना हो, यहाँ पे एक पॉपअप में अलर्ट मैसेज जा रही हो। ठीक है, और उसको कैटेगरी को हम लोग इंसर्ट करेंगे अपने डेटाबेस में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।